भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना और गोराडीह थाना के सीमावर्ती भरोकर गांव में देर रात अपराधियों ने अशोक मंडल के पुत्र विष्णु मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं अहले सुबह कुछ हुड़दंगियों ने पीड़ित के घर पर पत्थरबाजी कर दिया, जिससे गांव का माहौल बिगड़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, एसडीएम आशीष नारायण भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर मृतक के भाई ब्रह्मदेव मंडल ने बताया कि उनकी मौजूदगी में ही पुतुल उर्फ मुजम्मिल ने उनके भाई विष्णु मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक के भाई की माने तो हत्याकांड में मुजम्मिल का सहयोग गांव के ही झाकस और लोकमान ने किया था। सर हम सब वहाँ होली हो रहा था, गानों में गा रहे थे तो भैया सब और हम सब डांस कर रहे थे, वही डांस में अचानक उधर से आया। आप उसे डांस कर रहे थे? हाँ, था? हम भी डांस कर रहे थे साथ में। हाँ। वहाँ से आया जैसे, तो पहले तो सबसे पहले पापा सब भी वहाँ था, तो पापा को जो है ना धक्का दे दिया। पहले झगड़ा था है ना? हाँ, हाँ। नहीं झगड़ा नहीं था, विवाद क्या इससे जो था ना आया था इससे। हाँ। बस पापा को जो है ना धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद पापा गिर गया, तो सोचा कि मजाक में इसे चलता है। हाँ। तो पापा फिर उठ गए, फिर जो है ना पुतून बोला हाँ कि आज जो है ना तुम सब खुशी मना रहे ना, बाद में तुम रोएगा। और बाकी बात 5 मिनट हुआ, 5 मिनट के बाद भैया को गोली मार दी। आपके सामने मारा गोली? हाँ, गोली मार पुतुल। हाँ, पुतुल है। और उसको था साथ, साथ, साथ में पुतुल ने गोली मारा और साथ में जाकर था। जाकर था? हाँ। और कौन था? नहीं, और ठीक है, एकदम 4-5 जो कि नाम बताइए, गुरमीट करके अंधेरा में पहचान नहीं पाया उसे, सबका गुरमीट था। हाँ, उसके बाद फिर उसके घायल में आप लोग अस्पताल ले गए? घायल में सर जैसे लगा तो भैया बोले कि भैया नहीं लग गया है यहाँ, तो हम देखे तो उसको लेते गए यहाँ से, आधा दूर जाते जाते दांत टूट गया भैया। कुछ नहीं हुआ था, जैसे वहाँ से आए तो सबको जो था ना आराम से बोले कि घर में बैठो, तो भैया यहाँ पर नाद पर बैठा हुआ था, उधर से आया और ईटा पत्थर चलाना स्टार्ट। आज सुबह? हाँ, आज सुबह का बात है, सुबह ईटा पत्थर चला दिया, भैया को लग गया, भैया का सर फट गया। कौन भैया का सर फटा? मेरा किशन भैया का। अच्छा, और एक लेडीज को भी बहुत बुरी तरह से मारा, उधर रत्ती मार था, पुलिस था, पुलिस था, पुलिस यहाँ था, प्रशासन के सामने ही हुआ, कुछ नहीं करा, प्रशासन के सामने फेंका है पत्थर, प्रशासन भी देखा। रात में भी जब हुआ तो प्रशासन के सामने पत्थर आज हुआ। दूसरी ओर डीएम प्रणव कुमार ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने गांव वालों को उनके विशेष अनुरोध पर गांव में पुलिस कैंप बनाने का आश्वासन दिया है। होली के बाद शाम में खेल खेल के दौरान एक गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसको लेकर के आज सुबह भी कुछ तनाव गांव में देखने को मिला है, जिसके क्रम में हम लोग यहां पे आए थे और मामला शांतिपूर्ण है। फिर भी एहतियातन लोगों की कमेटी का निर्माण किया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। सर अभी जो जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है इससे, तो इसके लिए अभी यहाँ जो व्यवस्था क्या रखा जाएगा, कायम रखा जाएगा सर? बिल्कुल व्यवस्था रहेगी जब तक बिल्कुल शांत, हालांकि बिल्कुल शांतिपूर्ण है, फिर भी एहतियातन तौर पर यहाँ व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। फाड़ी की सर बात हो रही है कि फाड़ी स्थानीय तौर पर दिया जाए? हाँ, ये लोकेशन जो है दो थानों के बीच में बिल्कुल है, जगदीशपुर थाना और गोराडीह थाना के बीच में तो दूरी है, उसको लेकर के लोगों ने इसकी डिमांड की है, तो उसकी आवश्यकता का आकलन करते हुए आवश्यकता समझी जाएगी तो प्रस्ताव भेजा जाएगा। मृतक की मौत के बाद उनके दादा सुखदेव दास उर्फ सुखदेव मंडल, पिता अशोक मंडल सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल किसी अनहोनी की आशंका को लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी सोनू भगत, जगदीशपुर थानेदार संजय सत्यार्थी, बाईपास सहायक थाना प्रभारी सुनील झा के अलावा बड़ी संख्या में एसएसबी, एसआरएफ और जिला पुलिस के जवान गांव में कैंप कर रही है। तो क्या जरूरी है कि आगे नजदीक में घर में हथियार देना हो कि नहीं? भीड़ हम के फगुआ के अपना होली करे घर में साँझ में बीती गई तो अपना घर जा लोग बाकी पहले 2-3 टाइम था बस हमारे पोता के गोली विष्णु विष्णु और
गोली मारी है कि तो मेरा नाम क्या है मेरा कौन गोली मारा गोली कौन मारा था पुतनिया पुतनिया नाम हाँ और साथ में कौन कौन था अरे तो की नाम थी झकास झकास हाँ झकसा झकसा पुलिस जिला नौगछिया में होली के मौके पर तेतरी गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। वहीं इस दौरान गोलाबारी की घटना भी सामने आई है, जिसमें जमुनिया निवासी राधे दास के पुत्र मिथलेश दास गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना के संबंध में मुखिया रविंद्र दास ने बताया कि कुछ दिन पहले भी अश्लील गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत नौगछिया थाना में की गई थी। इसी को लेकर गोलाबारी हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने हंगामे के क्रम में चार मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही एसपी निधि रानी, एसडीपीओ और भारी संख्या में नौगछिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करने में जुट गई है। झारखंड साहेबगंज बोरियो प्रखंड के रंगमटिया गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कर कासा के संयोजक दिलीप कुमार ने आजीविका मिशन जोड़कर महिला सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर को लेकर एक मानव श्रृंखला बनाया गया। वहीं बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साफ सफाई, शिक्षा, बाल विवाह व मानव तस्करी से लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही। महिला ही नारी शक्ति है, घर से लेकर बाहर तक काम करती है। जब एक महिला पढ़ी लिखी रहती है तो सात पीढ़ी तक शिक्षित परिवार होता है। मौके पर कासा के संयोजक दिलीप कुमार ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो महिला व पुरुषों में एक समानता की भावना को लेकर देश में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। साथ ही महिलाओं को सशक्त व उत्थान को लेकर स्वयंसेवी कासा संस्था गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। जो रंगमटिया गांव में हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव-गांव में महिलाएं जो है अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर आगे आएं और समाज को इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि महिलाएं जो ही हैं विकास के काम में आगे बढ़कर विकास में भागीदारी हो सकती हैं, तभी जो है देश या समाज आगे बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था। आज कासा की ओर से गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे यहां रंगमटिया गांव में महिलाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कासा का सराहनीय सहयोग है कि वो गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और महिला बच्चियाँ जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उन्हें जागरूक करने का काम कर रही हैं। ये दिवस के साथ साथ वो हमेशा ही गांव के बच्चे बच्चियों को, महिलाओं को के सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं साक्षर हों। कार्यक्रम में उत्प्रेरक जोसेफ मुर्मू, साधन सेवी मीना मड़िन, मंजू पहाड़िन, रिंकू पहाड़िन, अनेकों महिला उपस्थित थी।